बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये जरब लगाने वाला जो जो अथॉरिटी है मर्द की, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने साबित किया कि उसको इजाजत है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप नहीं जरब लगा सकते, कौन सुपरसीड करेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने बताया कि चूंकि वो इजाजत है, वाजिब नहीं है, लिहाजा लॉ ऑफ लैंड सुपरसीड करेगा। लॉ ऑफ लैंड या अगर अमेरिका के अंदर इजाजत नहीं है तो फिर आप हाथ नहीं उठा सकते, अगर उठाएंगे तो लॉ ऑफ लैंड इन्वॉल्व होगा और इस्लाम इस बारे में खामोश हो जाएगा और सजा आप भुगतेंगे। खवातीन हज़रात, ये मुफ्ती साहब की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क में रहना है हमें तो इस मुल्क के कानून को फॉलो करना है, और लॉ ऑफ द लैंड क्लियरली ये बात कहता है कि आप किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते, ना फिजिकल, ना इमोशनल, ना मेंटल। तो ये मुफ्ती साहब का कहना, ये माशाल्लाह उनके फतवे के तौर पे मैं उसको लूंगा, और बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुफ्ती साहब इस पे फतवा दीजिए कि लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड करेगा अगर लॉ ऑफ द लैंड आपको मना करता है तशद्दुद से। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है, और मैं चाहूंगा कि इस पे जो आप अपने फतवाज जो करते हैं, पब्लिश करते हैं, ये जरा प्लीज इसमें जरा एम्फेसिस दे के हमारे लोगों को गाइड कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए कि लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड करता है, कतन इजाजत नहीं है तशद्दुद। इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह, मक्का के अंदर तो इन औरतों की जरा पिटाई शिटाई की इजाजत होती थी, जरा ठीक रहती थी, मदीना के अंदर तो ये हमारे सर चढ़ गई, अब क्या करें। तो नबी पाक मुस्कराए। अच्छा, ये लॉ ऑफ लैंड की बात हो रही है, अब मक्का के अंदर लॉ ऑफ लैंड था कि वो मक्का के अंदर तो वैसे जलाल है, तो वहां तो सारे सरदार ही थे, तो सरदारी के नशे में सब औरतों को जब बिल्कुल पांव की जूती बना के रखते हैं। अब मदीना के अंदर जमाल और मोहब्बत है, यहाँ अंसार मदीना थे और अंसार अपनी बीवियों के बड़े दीवाने होते थे, और उनके गाने बजाने वो और हंसना खेलना बीवियों के साथ, और बीवियां भी ये पूरे लाज नाजो नखरे करती थी। तो यहाँ सूरत बदल गई, अब यहाँ हज़रत उमर फरमाते या रसूलल्लाह, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ औरतें जो हमारे सर चढ़ गई, क्या करें, आप मुस्कराने लगे। तो हज़रत उमर फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने अलबत्ता डराने के लिए कोड़ा लटकाया हुआ दीवार पे, सिर्फ डराने के लिए कि देखो अगर तुमने ऐसा किया तो ये कोड़ा लटकाया हुआ मैंने, तो कर कुछ भी नहीं सकते। गोया कि क्या इशारा कर रहे हैं कि लॉ ऑफ लैंड चूंकि इजाजत नहीं दे रहा, लिहाजा आप मदीना के माहौल के मुताबिक बीवियों से डील करें, अब यहां आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं। सुभानअल्लाह, ये भी कितनी अच्छी खूबसूरत आपने मिसाल दी। हज़रात, लॉ ऑफ द लैंड किस कदर इंपॉर्टेंट है, ये आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना के जमाने की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया होगा।